हाय फ्रेंड, आप सभी को हमारे इस प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर क्वेश्चंस को नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नंद वंश की स्थापना हुआ था किस वंश के पतन के बाद? हरियक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश या गुप्त वंश? इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने किया था। नंद वंश की स्थापना किया था नंदीवर्धन, महापद्मानंद, घनानंद, प्रतापनंद? इसका आंसर पीछे ही बता चुके हैं, महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग वंश के पतन के बाद नंद वंश का उदय हुआ था। महाबोधि वंश में अग्रसेन कहा गया है घनानंद, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मानंद को? इसका आंसर हो जाएगा डी, महापद्मानंद को अग्रसेन कहा गया है, क्योंकि यह बहुत ही तबाही और क्रूर शासक था। महापद एकरा तथा स्वर शक्तात्मक आदि उपाधियों से सम्मानित है शिशुनाग, घनानंद, महापद्मानंद या अजातशत्रु? इसका आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। महापद्मानंद के बाद किसने राजगद्दी को संभाला? क्वेश्चन से है, महापद्मानंद के बाद किसने राजगद्दी को संभाला था? भूतपाल, राष्ट्रपाल, घनानंद, गोविंद सानक? महापद्मानंद का 8 पुत्र था। उत्तराधिकारी के लिए भयानक युद्ध भी छिड़ गया था, पर सबसे छोटा बेटा घनानंद ने ही राजगद्दी को संभाला था। किस शासक के काल में महान सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था? राष्ट्रपाल, महापद्मानंद, अशोक या घनानंद? इसका आंसर हो जाएगा सी, घनानंद के काल में ही महान सिकंदर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। घनानंद किस महान विद्वान को अपने दरबार में अपमान किए थे? अरस्तु, आर्यभट्ट, वानभट्ट, चाणक्य? इसका आंसर हो जाएगा डी, चाणक्य की शाखा पकड़ के धक्का दे दिया था और बहुत ही अपमानित किया था। हालांकि यह बुक में नहीं दर्शाया गया है इसे अपमानित किया हुआ, हम सीरियल में देखे थे इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, बट इसको अपमान करने का मतलब ये था कि भरे सरवार में कुछ बुरा भला कह के अपमानित कर दिए थे। यह सत्य है कि सिकंदर घनानंद के काल में आक्रमण हिंदुस्तान पर किया था, पर किस ईस्वी को किया गया था? 325 ईसा पूर्व या 326 या 327 या 328? इसका आंसर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व घनानंद के काल में हिंदुस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। घनानंद कैसा शासक साबित हुआ था? योग्य, शक्तिशाली, प्रतापी या अयोग्य? इसका आंसर हो जाएगा अयोग्य। यह बहुत ही घटिया किस्म का शासक था, हर वक्त भोग विलास में व्यक्त होता है। आप यह बात का अंदाजा चाणक्य की अपमान से लगा सकते हो, क्योंकि कोई भी राजा किसी विद्वान को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है, यह राजा बहुत ही अयोग्य शासक था। नंद वंश की अंतिम शासक था घनानंद, गोविंद, पासक, राष्ट्रपाल या भूतपाल? इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद है और ये तीनों इनके भाई हैं, क्योंकि ये 8 भाई थे। आपको पहले ही बता चुके हैं, 8 भाई में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया था। सबसे छोटा भाई घनानंद विजय हुआ था और राजगद्दी पर अधिकार किया था। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आपको पता चल जाए। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए, ताकि अगले वीडियो हम इससे ज़्यादा बेहतरीन पेश कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।